अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहदादपुर से जे एन न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब शहदादपुर की जानिब से चक्कर के सहाफ़ी और निजी चैनल के रिपोर्टर जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सियासी समाजी और सहाफ़ी रहनुमाओं ने की। रैली के शुरुआत में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और सहाफ़ी के कातों की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी कर रहे थे। रैली के शुरुआत से प्रेस क्लब शहदादपुर के सरपरस्त आला इशाज़ अफर बुखारी, सदर अब्दुल्ला दाऊद पोता, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रफीक, शेख बार एसोसिएशन शहदादपुर के सदर गुलाम मुस्तफ़ा सुमरू, एडवोकेट साबिक सदर तारिक महमूद अरई, एडवोकेट दी मुगल सिंध के चेयरमैन खालिद ज़ोहर बेग, सिंध अवामी सिंध के ज़िले सदर हकीम अली चांडी, मुस्लिम लीग फंक्शनल सिटी के जनरल सेक्रेटरी राना अब्दुल सत्तार, सुनी तहरीक के डिवीजनल रहनुमा अलाम मारूफ कादरी, जिसकम के रहनुमा हबीब मेमन, सनी राबता कौंसिल के अहमद उसामा, हिंदू पंचायत के रहनुमा परमानंद, एम क्यू एम के रहनुमा रो मोहम्मद यूसफ, मरकजी मुस्लिम लीग के खालिद हमीद, अवामी तहरीक आलम लुगारी, पी टी आई के रहनुमा मनोज चहर गरोज, गुजर जमात इस्लामी के अरशद खास के लिए, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के अली मोहम्मद इमरानी, सिंध पाक तहरीक के जुल्फकार अली नरबान, राना अब्दुल गफ्फार जुलाल व दीगर ने खिताब करते कहा कि सहाफ़ियों को मुसलसल जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है। हुक्मरान तबका अपनी मनपसंद रिपोर्टिंग को जी हुजूर की सहाफत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कातलों को करार वाह की सजा दी जाए। अगर फौरी तौर पर कातलों को गिरफ्तार न किया गया तो कातलों की गिरफ्तारी तक सहाफ़ी पूरे सिर में सख्त एहतजाज करें।